हाथों पे धरे हम हार बैठेंगे कब तक, क्या बदले हैं हालात ऐसे अब तक, कब तक रोना पड़ेगा जो है खोना पड़ेगा, कहता हूँ सुन लो मेरे यार, अब खुद कुछ करना पड़ेगा हमको, जलना पड़ेगा चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया, कैसी जबरदस्त परफॉर्मेंस बच्चों ने की, फुल ट्रेन जैसे प्राइवेट स्कूल टीचर्स ट्रेन कर रहे हैं, इस तरह अलहमदिल्ला यहाँ पर इस एसटीएस स्कूल के अंदर ही ट्रेन किए जा रहे हैं, बच्चों की एक्टिविटी हुई, अभी दो तीन एक्टिविटीज़ बाकी हैं मिलीनगर में, वो तिलावत अलहमदिल्ला स्टार्ट हुआ, अभी और हम आपको अपडेट करते रहेंगे, अनारा ये सारा आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। प्रिविलेज एरिया है जहाँ पे लोग ऐसे नहीं रहते, जहाँ पे मेरे बता रहे थे वो क्रिमिनल बता रहे थे, तो वहाँ उन जगह पे इन्होंने एक ना एजुकेशन डिपार्टमेंट खोला है जहाँ पे स्कूल वगैरह ही लोग रहते हैं, फिर जो हेड टीचर है जो स्कूल के लिए संभालते हैं वो देंगे कुछ टाइम से कि यहाँ पे वो लोग बच्चों को कैसे कमाते हैं, क्या करते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि यहाँ पे बच्चों को वो लोग पढ़ा सकें, क्योंकि घर में जो बच्चा होता है दूसरे इलाके के जो बच्चे होते हैं उनको वो जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनको संभालना और यहाँ अपने अनुप्रे के लिए अपने संभाल के रखे हुए टाइम से, तो मैं क्रेडिट दूंगा साहिल भाई आप कुछ कहें इनके बारे में, आपने कैसे इंस्पायर हुआ आप इस प्रोजेक्ट को देखिए। इंस्पायर हुआ क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तो एक गरीब कम्युनिटी अनप्रिविलेज कम्युनिटी को उठाया और उसको एजुकेट किया, जैसे आसान मैंने बताया क्रिमिनल सियाबे थे तो क्रिमिनल्स के वहाँ पे एक एजुकेशन प्रोवाइड करना, एक कदम प्रोवाइड करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और आसान भाई ने बच्चों को घर की जगह पे कदम दिए तो ये अप्रिशिएट है इनके लिए, और मैं ये कंसिडर करता हूँ कि आसान भाई इसको भूषण और जैसा बनाएंगे और अप्रिशिएट करता हूँ। उसको